अच्छा देख, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं पहले इसका। IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ IS-16 क्या है? जो ऑब्जेक्टिव ऑफ IS-16 इज टू प्रिस्क्राइब द अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है। द प्रिंसिपल इश्यूज आर द रिकग्निशन ऑफ एसेट, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट्स। कैरिंग अमाउंट्स क्या होते हैं? कैरिंग अमाउंट नेटबुक वैल्यू को कहते हैं। And the depreciation charge to be recognized in relation to them. तो इसमें हम बात करेंगे कि assets को assets कब record करेंगे, उनकी carrying value किस तरह calculate की जाती है और उनका depreciation किस तरह calculate करते हैं और कितना charge होता है। अच्छा, property plant and equipments होते क्या हैं? Property plant and equipments are tangible assets, ठीक है, that are held by an entity for use in production or supply of goods or services, for rental to others or for administrative purpose, and are expected to be used during more than one. Is it clear? Property plant equipment क्या होता है आपकी जो, ठीक है, production में use machinery हो गई, goods for, ठीक है, जो for supply of goods or services, motor vehicles हो गए, for rental to others, जैसे rent a car का business है, और for administrative purpose, इसमें furniture, equipment ये सब चीजें आ जाती हैं। और उनकी life क्या होती है? More than one year होती है। तो ये आपके लिए tangible non current assets होते हैं। अब आते हैं recognition। recognition means क्या है कि आप asset को asset कब record करते हैं, ठीक, एज एन एसेट कब रिकॉर्ड होता है। तो कह रहे थे आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट व्हेन इट इज प्रोबेबल। इनके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एसेट कब रिकॉर्ड करेंगे? दो पॉइंट्स हैं, व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट। अच्छा, प्रोबेबल का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एक वर्ड होता है पॉसिबल, पॉसिबल, और एक टर्म प्रोबेबल। क्या डिफरेंस है पॉसिबल अगर हो और प्रोबेबल में? पॉसिबल किसमें, क्या चीज? ये प्रोबेबल तकरीबन, और पॉसिबल 50-50 हो और मोर देन 50 हो, हाँ ऐसे ही। तो पॉसिबल यूज होता है यहाँ पे, 50-50 चांस हो ना, वहां यूज करते हैं टर्म पॉसिबल। अच्छा, और अगर मोर देन 50% चांस हो तो भी बात तकरीबन कैसे होने का चांसेस हो, यानी कि मोर देन 50% चांस, तो वहां टर्म यूज होती है प्रोबेबल। जो भी आपका एसेट है उससे रिलेटेड जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो आपको मिलेंगे, तो वो आपके लिए एसेट होगा। और कॉस्ट ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। दो पॉइंट्स हैं, जो भी एसेट्स है उससे रिलेटेड जो बेनिफिट है वो आपको मिले, और उसकी कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सकें, तो तब एक एसेट को आप एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, रिलायबली मतलब एक अथॉरिटी को ना आपने कहा। अच्छा, ये मैं आपसे पूछिए, बिल्डिंग कितने की है, कितने की होगी? आप जो भी वैल्यू बताएंगे क्या वो रिलायबल होगी? क्योंकि आपको कोई प्रॉपर्टी का कोई नॉलेज ही नहीं, आपका कोई बिजनेस ही नहीं है, तो आपकी बात पे तो हम रिलाय, लेकिन एक स्टेट एजेंट से पूछे तो वो रिलायबल हो जाएगी ना, मुझे एस्टिमेट दे, ये रिलायबली कैलकुलेट कर सके। मतलब ये ना कि अंदाजा ना हो, हाँ तकरीबन इतने की होगी, तकरीबन ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा ना, रिलायबल। अब रिलायबल कब होगा? जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो सारे, कि आपने एक एसेट खरीदा उसकी इनवॉइस हो आपके पास, और जो एक्सपेंसेस आपने किया अगर उससे रिलेटेड उसकी इनवॉइसेस हो, तो उसकी बेस पे जो कैलकुलेशन होगी वो रिलायबल हो जाएगी। और ऐसे आप एक एस्टिमेट निकाल लें, हाँ इतने का एसेट था, इतने हमने यहाँ खर्च किए, इतने एक्सपेंस इधर हुए, इतने इधर हुए, इतने का पड़ गया, तो वो रिलायबल नहीं कहलाएगी ना वैल्यू। डॉक्यूमेंट जब आपके पास होंगे तो उसकी बेस पर कैलकुलेशन जो होगी वो आपकी रिलायबल होगी, या कोई एक नॉलेजेबल पर्सन हो वो आपको एक वैल्यू बता दे तो वो रिलायबल कह देंगे। अच्छा, तो दो पॉइंट हो गए, दोनों फुलफिल होंगे तब आप एक एसेट को एसेट रिकॉर्ड करेंगे, और ऐसे ही होता है, ठीक है ना, कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है और जो भी एसेट उससे बेनिफिट भी आप ही को मिल रहा होता है। ऐसा तो नहीं कि एसेट आपने खरीदा और बेनिफिट किसी और को मिल रहा हो,
ऐसा होता है, गाड़ी खरीदी आपने बेनिफिट पे और ले रहे गाड़ी से, बिल्डिंग खरीदी बेनिफिट, तो वैसे भी नहीं होता आपका फिर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया पॉइंट्स के, आपने एसेट को एसेट कब रिकॉर्ड करना है। अब सेकंड है कि इनिशियल मेजरमेंट, मेजर इसकी जो कॉस्ट हम मेजर करेंगे वो कैसे कैलकुलेट होगी ना, इनिशियल मेजरमेंट। अच्छा ये हमने एफएडब्ल्यू में पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ा था अगर याद हो, इनिशियल मेजरमेंट, एक एसेट की जो कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, याद है? ये अगर याद हो, मैंने कहा उसको पूरे पिक्चर ली थी, आप लोगों ने शायद बाद में कॉपी किया नहीं किया, याद आ रहा है? चल पढ़ लेते हैं। तो वही चीज है सारी जो एफएडब्ल्यू में मैंने पढ़ा दी थी। इनिशियल मेजरमेंट क्या, आपने एक न्यू एसेट खरीदा, अब उसकी कॉस्ट मेजर करनी है आपको, तो वो कैसा ना हो। एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड इनिशियली बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट टू वर्किंग कंडीशन फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। एक मिनट, हाँ देखा, अब इसमें देखिए पॉइंट क्या था, कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट टू वर्किंग कंडीशन फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, यानी कि एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो नेसेसरी कॉस्ट है वो सब इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, जब नेसेसरी में क्या क्या आ सकता है, दिस वुड नॉट इंक्लूड ओनली इट्स ओरिजिनल परचेज प्राइस बट ऑल्सो कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, डिलीवरी एंड हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन, रिलेटेड प्रोफेशनल फीस फॉर आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर, एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द एसेट एंड रिस्टोरिंग द साइट। ये सब ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक मशीन इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपकी क्या क्या कॉस्ट आएंगे, एक तो आपकी परचेज प्राइस हो गई, इसके बाद इंपोर्ट करेंगे तो शिप में आएगा, शिपमेंट चार्जेस हो गए, फिर आपके पोर्ट्स से क्लियर करवाएंगे, ड्यूटीज वगैरह पे करेंगे, अच्छा वहां से पोर्ट से निकल के वो ट्रक पे लोड होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे करेंगे आप, डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आ गए, उसके बाद फैक्ट्री पहुंचने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन होगी। ठीक है, अच्छा जिस जगह इंस्टॉल करेंगे हो सकता है उस जगह को आपको पहले कुछ प्रिपेयर करना पड़े। ठीक है, उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन होगी, इंस्टॉलेशन के बाद आपकी टोटल वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां तक जितनी भी कॉस्ट इनकर होंगी वो सब परचेज प्राइस में ऐड कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक, जैसे सपोज करेंगे, अच्छा इसके बाद फिर एक चीज और है, अच्छा इसमें अच्छा आर्किटेक्चर, जैसे कंस्ट्रक्शन है तो आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इंजीनियर की जरूरत भी होती है आपको, सिविल इंजीनियर वगैरह से कंस्ट्रक्शन, किसमें सेलिंग प्राइस में डिलीवरी चार्जेस नहीं, क्यों क्या मतलब नहीं, फ्री डिलीवरी हम दे रहे हैं, किसी को डिलीवर कर रहे हैं, ऑर्डर दिया था हम उसको डिलीवर करने गए हैं, वो डिपेंड करता है चार्जेस आप ले रहे हैं या फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे, अलग से होते हैं ना, अलग से शो नहीं होते, अलग से लिखा जाता है ना, जब आप कोई ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो उसमें लिखा होता है ना ये प्राइस है आपके, और डिलीवरी चार्जेस अलग से मेंशन होते हैं, अलग ही होता है। अच्छा अच्छा इसमें एक चीज है, यहाँ पे आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द एसेट, एंड ये डिसमेंटल का मतलब क्या हुआ, डिसमेंटल निकालना, कुछ ना कुछ तो है तोड़ना, हाँ डिसमेंटल होता है, असेंबल का अपोजिट क्या है, असेंबल करना जोड़ना, डिसमेंटल उसको तोड़ना, डी असेंबल करना कह सकते हैं आप। ठीक है, राइट, तो अच्छा अब इसमें क्या, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग मतलब जब लाइफ पूरी होने के बाद उस एसेट को जब आप रिमूव करेंगे, जैसे मशीन आपने इंस्टॉल की अब उसकी लाइफ पूरी हो गई तो उसको आप डिस्पोज करेंगे, तो डिस्पोजल से पहले उसको खोलना पड़ेगा, पूरा मशीन खुलेगी उसके बाद उसको ढाके लेके जाएंगे या तो डिस्पोज कर देंगे, डिस्कार्ड करेंगे जो भी है ना, तो लाइफ पूरी होने के बाद जब उसको आप डिसमेंटल करेंगे उसको क्या कॉस्ट आएगी फ्यूचर में,
उसके बाद उस एसेट को आपने रिमूव करना है वहां से, उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, और फिर वो जो साइट आपकी है उसको आपने लेवल करना है ताकि दूसरा एसेट इंस्टॉल हो जाए। तो ये भी सारी कॉस्ट आप उसमें ऐड कर रहे हैं। नहीं स्क्रैप मतलब क्या, स्क्रैप तो बेचते हैं ना वो, स्क्रैप तो ये होता है स्क्रैप किया तो बेचना, मतलब पैसे आ रहे थे ना वहां पर। डिस्मेंटल जैसे एसी लगा हुआ है अभी खत्म हो गया, लाइफ पूरी हो गई, इसको हमने स्क्रैप करना है तो खोलना पड़ेगा पहले, इसके पाइप वाइप खुलेंगे, पूरा बाहर निकलेगा, आउटर निकलेगा, दोनों को उठा के लेके जाएंगे, तो ये जिसको खोलेंगे ना पूरा वो डिसमेंटल, उसको कहेंगे डिसमेंटल। जैसे आपने ये छत चेंज करनी है, इसमें क्या होगा, पहले ये चीट्स निकलेंगी, फिर ये जो पट्टियां से लगी हुई ये खोलेंगी, फिर जमा होंगे इधर, तो ये डिसमेंटल है, इसको खोलना, ये डिसमेंटलिंग है। राइट, तो ये चीजें भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, और उसके बाद आपकी निकलेगी टोटल कॉस्ट, और उससे हम अपने एसेट को एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे। अब ये चीज रखनी है आपको कॉस्ट परचेज प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होगा। अच्छी चीज रहा कि इसमें लिखा था नेसेसरी कॉस्ट आती है सारी, ठीक है, ऑल नेसेसरी कॉस्ट, ठीक है, अननेसेसरी इंक्लूड नहीं होगी। जैसे आपने इंस्टॉल लोडिंग अनलोडिंग में कुछ मिस हैंडलिंग किया और आपका एसेट डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर तो करवाएंगे, तो रिपेयरिंग कॉस्ट ऐड होगी, लोडिंग अनलोडिंग या इंस्टॉलेशन के दौरान डैमेज अगर हो गया तो नेग्लिजेंस कॉस्ट ऐड करेंगे नहीं करेंगे, नहीं नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए डैमेज करना नेसेसरी थोड़ी है, तो आपकी गलती से डैमेज हुआ ना, करेंगे वो तो हो गया, पे करेंगे उसको, अलग से रिकॉर्ड करेंगे, वो अलग से एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बात ठीक है। जैसे आप एसी इंस्टॉल कर रहे थे, स्लिप हुआ, गिर गया, टूट गया थोड़ा सा, अब रिपेयर तो करना पड़ेगा, तो उसको अलग से रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करता, ठीक। जो नेसेसरी कॉस्ट है वो इंक्लूड होगी, अननेसेसरी इंक्लूड नहीं, सही। अच्छा, तो ये आपके पास आ गई आपके एसेट की कॉस्ट आ गई, राइट। अच्छा देखिए, पहला पॉइंट है रिकग्निशन का, कि इनिशियली हम एसेट को रिकॉर्ड किस पे करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे ना इनिशियली, यानी कि न्यू एसेट आपने खरीदा तो इनिशियली रिकॉर्डिंग होगी उसकी कॉस्ट। अच्छा, फर्दर क्या ऑप्शन होते हैं हमारे पास, फिर फर्दर के ऑप्शंस हैं, अब आते हैं। देखिए, मेजरमेंट सबसेक्वेंट टू इनिशियल रिकग्निशन, ठीक है, इनिशियली तो हमें रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पे। अब फर्दर ऑप्शंस क्या है हमारे पास, अब देखिए, IS16 परमिट्स टू अकाउंटिंग मॉडल्स, पहला है कॉस्ट मॉडल और सेकंड रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में क्या होगा कि एसेट इज कैरीड एट कॉस्ट लेस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, नेटबुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, ये हमने एफडब्ल्यू में पढ़ा है कि एसेट जो अपनी नेटबुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड इक्वल्स टू नेटबुक वैल्यू। ये था कॉस्ट मॉडल जो हमने एफडब्ल्यू में पढ़ लिया, क्या एफडब्ल्यू में डेप्रिसिएशन पढ़ा था, उसमें इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, बैलेंस शीट बना रहे थे, उसमें बैलेंस शीट में क्या लिखते थे, एसेट मशीन माइनस एक्यूमुलेटेड नेटबुक वैल्यू, याद है। फिर हमने सोल ट्रेडर पढ़ा था, उसमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट्स पे जो रिकॉर्ड हो रहे थे उस पर क्या लिखते थे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड नेटबुक वैल्यू, तो वो था कॉस्ट मॉडल, वो कॉस्ट मॉडल था जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकंड क्या आपके पास रिवैल्यूएशन मॉडल होता है, ठीक है। अच्छा, रिवैल्यू का मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यू करना एसेट को, कोई भी मतलब करंट मार्केट वैल्यू मालूम करना, ठीक है। जैसे ये बिल्डिंग है, ये हमने कभी खरीदी थी फर्ज करें 5 करोड़ की, तो आज कितने की है, आज हो गए सपोज 15 करोड़ की, तो ये रिवैल्यूएशन हो गया, रिवैल्यू करना उसको, करंट मार्केट वैल्यू मालूम करना। तो सेकंड ऑप्शन ये होता है, इसमें क्या होगा कि रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, एसेट इज कैरीड एट अ रिवैल्यूड अमाउंट, ठीक। जैसे आपने एक एसेट खरीदा जिसकी कॉस्ट थी, फर्ज करें इस बिल्डिंग की कॉस्ट थी 5 लाख 5 करोड़, इनिशियली तो हमने इसको कॉस्ट 5 लाख करोड़ में रिकॉर्ड किया होगा, ठीक। आज कई साल गुजर गए, आज हमने इसको रिवैल्यू किया, करंट मार्केट वैल्यू मालूम की, तो मार्केट वैल्यू निकली कितनी, 15 करोड़, ठीक। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा, उसको हम कितने में रिकॉर्ड करेंगे, 15 करोड़, 5 पे नहीं होगा, ठीक है।
read the asset is carried at revalued amount, being its fair value at the date of revaluation less. और फिर less क्या करेंगे उसमें से? Subsequent depreciation provided that the fair value can be measured realized. अच्छा सर बाद में बात करते हैं. तो revaluation model में क्या होगा? आप अपने asset को revalue करेंगे, current market value मालूम कर लेंगे उसकी जो भी आ रही है, और उसके बाद उसमें से less क्या करना है आपने? Subsequent depreciation. तो ये क्या मतलब है? देखिए एफएडओ में हमने क्या पढ़ा था, कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पे, और उसमें से माइनस क्या कर रहे थे? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो नेट बुक वैल्यू आती थी. अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि आपने उसको रिवैल्यूड अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, और लेस क्या करेंगे उसमें से? सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन. इसका क्या मतलब हो? सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन, सब्सिक्वेंट के मीनिंग क्या होता है? ऑर्डर में नहीं, सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंटली हम कहते हैं ना, होने वाली कह सकते हैं, उसके अंदर रिवैल्यूएशन के बाद वाली, ये क्या लें आप? ऐसा ही है सब्सिक्वेंट की मीनिंग. क्या आ रही हो गए सर? आफ्टर समथिंग इन टाइम, आफ्टर, आफ्टर समथिंग इन टाइम, ठीक, आफ्टर समथिंग, बाद में होने वाला, बाद में उसके ना, ठीक है जी. तो सब्सिक्वेंट मीन्स होता है बाद, उसके बाद, सब्सिक्वेंटली, ठीक है. इसमें क्या होगा, हम एसेट को रिवैल्यू करेंगे, मार्केट वैल्यू आ गई, और उसमें से सिर्फ सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन माइनस होगा, मतलब रिवैल्यूएशन के बाद वाला, पहले वाला माइनस नहीं, ठीक है. सपोज करें कि एसेट आपका था 5 लाख का, 5 लाख का एसेट था, कुछ साल आपने यूज किया और आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना 2 लाख, ठीक है. तो बैलेंस शीट हम क्या लिखेंगे, 5 लाख माइनस 2 लाख इक्वल्स टू 3 लाख नेट बुक वैल्यू आ जाएगी ना, ठीक है. अच्छा फिर हमने इसको रिवैल्यू किया, अब एसेट को हमने रिवैल्यू किया, आज मार्केट वैल्यू आ रही है उसकी 10 लाख, 10 लाख हो गई. अच्छा तो कॉस्ट की जगह हम क्या लेंगे, 10 लाख, ठीक, और माइनस फिर उसको हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन 10 लाख पर. अब वो सब कैलकुलेट हुआ आपका कितना, 20,000, 10 लाख का डेप्रिसिएशन निकला 20, तो सिर्फ आप 10 लाख में से 20,000 माइनस करें, वो जो पहले का 2 लाख था वो माइनस नहीं होगा, सब्सिक्वेंट मीन्स रिवैल्यूएशन के बाद हुआ, सही. अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो रिवैल्यू का मतलब यूं समझ लें कि आपने रिवैल्यू करने का मतलब है कि आपका एसेट रेनी हो गया, फिर से एक जीरो मीटर हो गया, रेनी हो गया, तो उसमें क्या होगा, फिर से आप उसको डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे और फिर से वही डेप्रिसिएशन माइनस होगा, सही. पिछला जितना भी होगा एक्यूमुलेटेड वो सब खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है. हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है सर, मतलब कहाँ यूज, नहीं एसेट नहीं निकाल रहे, एक्यूमुलेटेड को क्लोज करते हैं, ये क्या किस क्या चीज, क्लोज कर रहे हैं एसेट को, सॉरी वैल्यू एसेट को थोड़ी कर रहे हैं क्लोज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था वो हाँ रिन्यू रिवैल्यू क्यों कर रहे हैं. अच्छा रिवैल्यू क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं, बेहतर क्या आप चलिए बताएं, कॉस्ट मॉडल बेहतर है रिवैल्यूएशन मॉडल बेहतर क्या हो, तो इससे आपको अपने एसेट की करंट वैल्यू पता चलेगी ना, क्या एज पर करंट वैल्यू आज आपके एसेट की वैल्यू क्या है, इसलिए रिवैल्यू किया जाता है, ठीक है. अब जो बिल्डिंग है, जैसे देखे ना प्रॉपर्टी की वैल्यू को पता बहुत तेजी से चेंज होती है. अब ये बिल्डिंग थी, इसका तो मुझे नहीं पता, वो एक बिल्डिंग थी वहां वाली, वो आज से कई साल पहले इन्होंने खरीदी थी 2.25 करोड़ की, जहाँ आपकी F2 F1 रूम है ना, इस क्लासेस होती हैं, वो बिल्डिंग खरीदी थी 2.25 करोड़, आज कितने की होगी, BCCA कैंपस 10-15-20 करोड़ हो गई होगी ना, आराम से होगी, क्योंकि कॉर्नर का प्लॉट है, 600 गज का वैल्यू बहुत ज्यादा है. अब हमने उस वक्त खरीदी थी 2.25 करोड़ की, अच्छा आज वो हो गई आपकी 15 करोड़ की. तो अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं तो कॉस्ट मॉडल में उसकी कॉस्ट क्या आ रही होगी, 2.25 करोड़ लेस एक्यूमुलेटेड बुक वैल्यू आ रही है, और रिवैल्यू कर रहे हो तो अब उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब वो रिकॉर्ड होगी 15 करोड़. तो बेहतर क्या है, रिवैल्यू करना, ताकि आपको करंट मार्केट वैल्यू पता चले कि एज पर करंट मार्केट वैल्यू आपके एसेट्स कितने के हैं.
ठीक है, तो इसलिए हम उसको रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन दोनों है, ये भी यूज कर सकते हैं ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है, रिवैल्यूएशन है, ताकि आपके एसेट्स की करंट मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट होती रहे। ठीक है, राइट। अच्छा, अब इसमें एक टर्म यूज हो रही है, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या होती है? अच्छी वैल्यू, फेयर एंड लवली थोड़ी है, जो वैल्यू है असल, क्या मतलब जो असल होगी ना, ऊपर से ज्यादा है, ऊपर से नहीं। आप बोले भाई ये नहीं 25 करोड़ का, मैं बोलो नहीं 5 करोड़ का है, तो फेयर नहीं है। सही है, फेयर वैल्यू क्या होती है? अच्छा, इसी को बता देता आपको, टर्म आगे काफी यूज होती है। किस वैल्यू को आप कहेंगे फेयर वैल्यू? जैसे मैं एक वैल्यू बताऊं इस बिल्डिंग की, उसको फेयर मानेंगे? कॉस्ट वगैरह देख ले, मार्केट देख ले, कौन बताएगा? जिस एजेंट बता दे, कोई न्यूट्रल बंदा हो, कोई न्यूट्रल बंदा हो और जिसके पास नॉलेज हो, वो अगर बताए तो आप उसको फेयर वैल्यू कह सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। फेयर वैल्यू क्या होती है? अच्छा, फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज्ड बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। अब 3 पॉइंट्स आ गए हैं, एन एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल। जैसे आप स्टेट एजेंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको नॉलेज होती है ना प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या चल रही है। ठीक, नॉलेजेबल पार्टीज हो दोनों, विलिंग हो, विलिंग मतलब खरीदने वाला खरीदना चाह रहा हो, बेचने वाला बेचना चाह रहा, तभी फेयर वैल्यू कहेंगे। अगर एक भी पार्टी विलिंग नहीं है तो फेयर वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि अगर बायर विलिंग नहीं है तो वो कम पैसे लगाएगा, सेलर विलिंग नहीं है तो वो ज्यादा पैसे लगाएगा ताकि जान छूट जाए, तो बिलिंग होना जरूरी है। अब उसके बाद क्या है, इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। अब इसका मतलब क्या है, एक हाथ के फासले पे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या भी पता है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या होती है? अ ट्रांजैक्शन इन विच बायर एंड सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट एक्ट इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट हो, एक तो ये ठीक है, अपने अपने फेवर में काम करें, इंडिपेंडेंट हो, किसी किस्म का प्रेशर वगैरह ना हो ना उनपे, and have no relation to each other. अच्छा, relation अगर आ जाए तो वहां पर fair value नहीं आता। जैसे मैं और आप अगर डील करते हैं किसी मोबाइल फोन के पर्स करें, तो हम फेयर वैल्यू पा सकते हैं? नहीं आएंगे। या तो मैं आपको थोड़ा प्रेशर डाल के एज अ टीचर आपसे कम में ले लूंगा, फेल करा दूंगा सीखी में। आपको क्या पता, कुछ आपको पता है ना अंदर क्या रहा है, पता है देना 5,000 कम में देना फेल हो रहा है, फेल हो जाए बस 20,000 रुपए का। ठीक है, तो ठीक है, तो हम अगर डील करेंगे तो फेयर नहीं होगा ना, या फिर मैं ख्याल कर लूंगा चले स्टूडेंट है थोड़े पैसे ज्यादा दे देता हूँ, कारोबार अपनी जगह। राइट, तो रिलेशन जहाँ पे आता है तो वहां पर फेयर वैल्यू नहीं आती ना, तो वो लिहाज मुराबाद आ जाता है, वहां पर बात नहीं होती। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आपस में कोई रिलेशन ना हो। ठीक है, तो ये इसको कहेंगे आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, कि हाँ दोनों पार्टीज इंडिपेंडेंट हो और उनका आपस में कोई रिलेशन ना हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन इज टू एंश्योर दैट बोथ पार्टीज इन द डील आर एक्टिंग इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, अपने अपने इंटरेस्ट में काम करें, एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी प्रेशर और फोर्स फ्रॉम अदर पार्टीज। तो इस तरह की दो पार्टी जब किसी वैल्यू पर आएंगी, जो वैल्यू डिसाइड करेंगे वो यकीनन फेयर होगी, ये सबके लिए एक्सेप्टेबल होगी। सही, तो ऐसी वैल्यू को कहेंगे आप फेयर वैल्यू, नॉलेजेबल हो, विलिंग हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई रिलेशन ना हो, सेल्फ इंटरेस्ट में काम करें, तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी, तो उसके बाद जो वैल्यू डिसाइड होगी वो कहलाएगी फेयर वैल्यू। सब इसमें एग्री होंगे? चलिए वापस चलते हैं। अच्छा, इसमें अब हम बाकी सारा रिवैल्यूएशन हम बता लेंगे, पढ़ेंगे कॉस्ट मॉडल तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे इसमें डिटेल में किसकी रिवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या है, अपने एसेट को रिवैल्यूड अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, उसमें से क्या करना है, सिर्फ लेस सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन।
क्या रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ते हैं डिटेल में? अच्छा, अंडर द रिवैल्यूएशन मॉडल रिवैल्यूएशन शुड बी कैरिड आउट रेगुलरली। पहला पॉइंट तो ये कि अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं तो आपने रेगुलर बेसिस पर अपने एसेट्स को रिवैल्यू करना है। उनका मसला उठने गए, क्रेन अभी तक आई नहीं हमारे पास। बस अच्छा अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा? पहला पॉइंट कि आपने अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल रिवैल्यूएशन शुड बी कैरिड आउट रेगुलरली, यानी कि एनुअली, क्वार्टरली, दो साल साल बाद, तीन साल बाद, पांच साल बाद, तो रेगुलर बेसिस पे आपने रिवैल्यू करना है। So that the carrying amount of an asset does not differ materially from its fair value at the balance sheet. ठीक, उसकी बुक वैल्यू में और उसके फेयर वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस ना आए। सही, ऐसा ना हो कि जब वैल्यू बढ़ी थी आपने रिवैल्यू कर लिया, वैल्यू ज्यादा हो गई, उसके बाद आप रिवैल्यू करना भूल गए और मार्केट वैल्यू पता चला बहुत कम हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो रेगुलर बेसिस आपने उसको रिवैल्यू करना है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है, इफ एन आइटम इज रिवैल्यूड, द एंटायर क्लास ऑफ एसेट टू विच दैट एसेट बिलोंग्स शुड बी रिवैल्यूड। इसका क्या मतलब हुआ? इफ एन आइटम इज रिवैल्यूड, द एंटायर क्लास ऑफ एसेट टू विच दैट एसेट बिलोंग्स शुड बी रिवैल्यूड। पांच बिल्डिंग्स हैं आपके पास, दूसरों की वैल्यू नहीं बढ़ी इतनी, तो आपने एक को रिवैल्यू कर लेते, बाकी चार को नहीं करते, तो ऐसा नहीं होगा। अब आपने तमाम बिल्डिंग्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा, ये चीज। एंटायर क्लास ऑफ एसेट यानी कि बिल्डिंग्स हैं, तो आपने तमाम बिल्डिंग्स को रिवैल्यू करना है। फिर ऐसा नहीं होगा एक को रिवैल्यू कर लें बाकी को रिवैल्यू ना करें। मोटर व्हीकल्स को रिवैल्यू करें तो जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं सबको रिवैल्यू करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि दो को रिवैल्यू कर लिया, तीन को आपने कॉस्ट मॉडल पर रखा, ऐसा नहीं होगा। हर क्लास ऑफ एसेट के लिए एक मॉडल हो सकता है, हाँ ये हो सकता है कि हर क्लास ऑफ एसेट के लिए अलग मॉडल हो सकता है। जैसे बिल्डिंग के लिए आप रख लें रिवैल्यूएशन मॉडल पे, फर्नीचर को आप रख लें कॉस्ट मॉडल पे, मोटर व्हीकल्स को आप रख लें रिवैल्यूएशन मॉडल पे, मशीनरी को आप रख लें कॉस्ट मॉडल पे, ये हो सकता है। ठीक है, राइट। लेकिन ये हर क्लास ऑफ एसेट के लिए एक मॉडल होगा, एसेट वाइज चेंज नहीं होगा। अच्छा, नॉर्मली बिल्डिंग की वैल्यू में ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है बिल्डिंग के अलावा, या मोटर व्हीकल्स होती हैं गाड़ियां, उसकी वैल्यू में थोड़ी फ्लक्चुएशन होती है, बाकी एसेट्स में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती ना। फर्नीचर में कोई खास चेंज नहीं आता, मशीनरी की वैल्यूज में खास चेंज, गोल्ड तो बिजनेस में कहां होता है, एसेट नहीं है ना, बिजनेस में कहां एसेट होता है एज अ बिजनेस। ठीक है, ठीक है, वो तो ट्रेडिंग होती है ना, बाइंग सेलिंग होती है, करंट एसेट में आता है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं उसको सेव कर लेते हैं बस, यूज में तो नहीं आता ना नॉर्मली, इसमें नहीं लेंगे। तो ये पॉइंट हो गया कि आपने एंटायर क्लास ऑफ एसेट को रिवैल्यू करना होगा और हर क्लास ऑफ एसेट के अलग अलग मॉडल यूज कर सकते। जब क्या किया, अच्छा, रिवैल्यूड एसेट आर डेप्रिशिएटेड इन द सेम वे एज अंडर कॉस्ट मॉडल, तो वहां पे दो मेथड यूज किए थे, स्ट्रेट लाइन और रेडियस लाइन। ठीक है, तो कॉस्ट मॉडल यूज करें या रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन, एक ही तरह से कैलकुलेट। बिग पॉइंट है यहाँ पे क्या है, फ्री वैल्यूएशन रिजल्ट इन एन इंक्रीज। अच्छा, अब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होने का मतलब आपको गेन हुआ ना। फाइव लाख का एसेट खरीदा था आपने, आज मार्केट वैल्यू एट लाख हो गई, तो थ्री लाख का गेन हुआ, जिसको आप कहेंगे गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, अच्छा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, गेन का ट्रीटमेंट क्या होगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन उसको गेन रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे नहीं करेंगे? नॉर्मली जो गेन होता है ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ग्रॉस प्रॉफिट से लॉस है तो माइनस करते हैं, गेन है तो ऐड हो जाता है। ठीक,
अच्छा यहाँ पे इसका क्या होगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, अगर गेन हो रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा या नहीं? नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। और लॉस है तो ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस हो जाए। अच्छा ऐसा क्यों? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड कर रहे हैं, गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करें जब तक कि वो रियलाइज ना हो। ठीक है, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ना। तो वही यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा है तो उसको अच्छा यहाँ रिकॉर्ड तो करेंगे लेकिन प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, और लॉस है तो हम उसे फॉरन अपने प्रॉफिट से माइनस कर ग्रॉस प्रॉफिट से। ठीक है, अच्छा लॉस है तो फॉरन माइनस होगा, गेन है तो ऐड नहीं होगा जब तक रियलाइज ना हो जाए। अच्छा अब आप फर्ज करेंगे पहले आपको गेन हुआ, फर्स्ट टाइम आपने रिवैल्यू किया अपना एसेट, गेन हुआ, इसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकंड टाइम रिवैल्यू किया तो लॉस हुआ, आप क्या करें? ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करें या गेन में से माइनस करेंगे? एसेट को आपने रिवैल्यू किया, गेन हुआ आपको 5 लाख का, सेकंड टाइम रिवैल्यू किया अब आपको लॉस हुआ 2 लाख का, तो उस लॉस को ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे या नहीं? नहीं होगा, नहीं करेंगे। हाँ, उसे हम अपने गेन में से माइनस करेंगे, रिकॉर्ड होगा, ऐड नहीं होगा, रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जो गेन होगा ना वो यहाँ रिवैल्यूएशन पे तो गेन होगा वो रिकॉर्ड होता है, हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते, अलग से रिकॉर्ड करते, अलग से शो करेंगे, रिकॉर्ड होगा। हाँ जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो गेन भी आपका क्रेडिट पे आएगा ना, उसको आप रिकॉर्ड के नाम से करते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन रिजर्व। देखिए मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम हमने एसेट को रिवैल्यू किया लॉस हुआ, उसको तो हम फॉरन अपने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, खत्म हो गया। फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया गेन हुआ तो उसको हम अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से अकाउंट ओपन होगा और उसमें वो क्रेडिट हो जाएगा, उसे हम अपने प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते, बल्कि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम इक्विटी में उसको दिखा देंगे, इक्विटी में लिखेंगे कैपिटल प्रॉफिट और आखिर में फिर लिखेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस, अलग से रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम हमने रिवैल्यू किया, गेन हुआ 5 लाख का। ठीक है, अच्छा गेन को हमने प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना, अलग से रिकॉर्ड करना है। ठीक, अच्छा सेकंड टाइम हमने रिवैल्यू किया तो 2 लाख का लॉस हुआ, अब उस लॉस का क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दें? नहीं, अब वो माइनस नहीं होगा, अब वो हम अपने गेन में से माइनस करें। वो जो फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करने में 5 लाख का गेन हुआ था, अगर सेकंड टाइम रिवैल्यू करने पे 2 लाख का लॉस होता है तो वो लॉस पहले हम अपने गेन में से माइनस करते हैं, तो गेन कितना रह जाएगा? 3 लाख का, बस वो ग्रॉस प्रॉफिट से कुछ भी माइनस नहीं। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ? अब थर्ड टाइम आपने रिवैल्यू किया फिर लॉस हुआ आपको, कितना लॉस हो गया? 4 लाख का लॉस हो गया। ठीक, गेन कितना बचा था? 3। अब क्या करेंगे? 3 लाख में से 4 लाख माइनस होंगे तो 1 लाख का लॉस आ जाएगा, अब वो 1 लाख का लॉस हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस। लॉस अगर गेन से ज्यादा हो गया तो जो एक्सेस लॉस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस। ठीक है, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करने पे लॉस हुआ तो फॉरन माइनस हो जाएगा, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करने पे गेन हुआ तो वो अलग से रिकॉर्ड होगा। राइट, अच्छा पहले गेन हुआ बाद में लॉस हुआ तो उस लॉस को पहले आप अपने गेन में से माइनस कर देंगे, और जब आपका लॉस गेन से एक्सीड कर जाएगा तो एक्सेस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस, ये ट्रीटमेंट होगा। ठीक, अच्छा क्या लिखा है? रिवैल्यूएशन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन वैल्यू, यानी कि गेन हो रहा है, इट शुड बी क्रेडिटेड टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड एक्युमुलेटेड इन इक्विटी अंडर हेडिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो इक्विटी में हम उसको दिखाएंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। ठीक है, अच्छा ये बात हो रही है फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करने पे गेन हुआ, सही, उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट। अच्छा अ डिक्रीज अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, मतलब लॉस हो रहा है, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस
to the extent that it exceeds any amount previously credited to the revaluation surplus relating to the same asset. क्या मतलब वो आगे समझ में डिक्रीज आ रहा है तो रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस टू द एक्सटेंट कितना ये जितना हो उससे एक्सीड करेगा ना सो दैट इट एक्सीड एनी अमाउंट प्रीवियसली क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस सो जितना लॉस आपके गेन से एक्सीड करेगा सो वही एक्सेस लॉस एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा इक्विटी में दिखाएंगे इक्विटी अंडर हेडिंग रिवैल्यूएशन सर जो गेन होगा उसको इक्विटी में आप दिखाएंगे उसको आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड नहीं करेंगे ये लॉस गेन का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया फर्स्ट टाइम गेन हुआ तो रिवैल्यूएशन सरप्लस फर्स्ट टाइम लॉस होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज फर्स्ट टाइम गेन हुआ सेकेंड टाइम पे लॉस हुआ तो जो लॉस था पहले गेन से माइनस करेंगे और अगर एक्सेस लॉस बचा तो वो एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड अच्छा व्हेन अ रिवैल्यूड एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ एनी रिवैल्यूएशन अच्छा अब हमने एसेट को डिस्पोज कर दिया एसेट था रिवैल्यू किया हमने कुछ साल यूज किया रिवैल्यूएशन करने के बाद अब उसको हमने डिस्पोज किया अब ये जो गेन में जो बैलेंस पड़ा होगा उसका क्या करेंगे एसेट को हमने रिवैल्यू किया फर्स्ट टाइम गेन हुआ ठीक अब हमने एसेट को यूज किया कुछ साल और अब एसेट डिस्पोज हो रहा है ठीक वो जो गेन आपके पास है बैलेंस गेन का उसका क्या करेंगे तब तो ऐड कर लेंगे क्योंकि अब वो गेन आपको रियलाइज हो जाएगा ना तो जब एसेट डिस्पोज होगा तो वो जो गेन है वो भी आपको रियलाइज हो जाएगा तो उसे हम अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर सकते हैं When a revalued asset is disposed of, any revaluation surplus may be transferred directly to retained earnings. अच्छा ये retained earnings मतलब यहाँ profit ही है आपका, ठीक है? Profit के लिए term use करेंगे retained earning. ठीक है वैसे retained earning means क्या होता है? Retained earning, यानी कि earning जो आपने retain की, यानी कि जो profit आपने retain कर लिया, इसको कह लें unused profit भी कह सकते हैं, remaining profit कह लें, retained profit. तो सर हम अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर देंगे एक ट्रीटमेंट ये सेकंड क्या है और इट मे बी लेफ्ट इन इक्विटी अंडर द हेडिंग रिवैल्यूएशन सर उसको सरप्लस में भी रख सकते हैं और चाहे तो उसको प्रॉफिट में इंक्लूड भी करवा सकते हैं दोनों ऑप्शन क्लियर हो गया ठीक है अब एक काम भी करते हैं बाकी ये चीजें तो और ठीक है काम करते हैं पहले यहाँ तक हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं से रिलेटेड रिवैल्यूएशन से बाकी फिर ये थ्योरी है इसको बाद में पढ़ने सही है फिर आप लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जब एसेट रिवैल्यू होता है उसकी क्या कैलकुलेशन होती है एंट्रीज क्या बनती है अकाउंट कैसे बनते हैं और उसके बाद फिर ये सब चीजें हम लोग पढ़ लेंगे फर्दर और इसमें आधे से ज्यादा चीजें हमने वहाँ पढ़ी भी है एफ ए ठीक है तो आते हैं कैलकुलेशन की तरफ अच्छा हैंड आउट के आखिर में क्वेश्चंस दिए हमें कुछ क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन तो क्या लिखता है कि वैनगार्ड्स ओन्स लैंड व्हिच ओरिजिनली कॉस्ट 2,50,000 सो नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड ऑन द लैंड इन अकॉर्डेंस विद IS 16 अच्छा लैंड को डेप्रिशिएट क्यों नहीं करते भाई क्यों नहीं करते नहीं वैल्यू से ताल्लुक नहीं होता वैल्यू से तो हाँ नहीं कर रहे ना लिखा है ना नो डेप्रिसिएशन नो लिखा है हाँ लैंड को डेप्रिशिएट क्यों नहीं करते क्योंकि लैंड की लाइफ इनफाइनाइट होती है अनलिमिटेड लाइफ लैंड कभी भी एक्सपायर खत्म नहीं होती ना लैंड कभी खत्म होती है अनलिमिटेड टाइप है एक बार एक प्लॉट खरीद लें तो सालों आपके पास हमेशा रहेगा ना लाइफ टाइम जब तक कि आप उसमें हाँ उस पर आ जाते हैं वो होती है सिर्फ एक्सेप्शन है उसमें एग्रीकल्चरल लैंड्स वो आपकी डेप्रिशिएट होती है क्योंकि इसके मिनरल्स होते हैं वो एक टाइम के बाद
खत्म हो जाते हैं। ठीक, नॉर्मल लैंड जो होती है वो डेप्रिशिएट नहीं होती क्योंकि उसकी लाइफ इनफाइनाइट होती है। सही है। अच्छा, तो नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज हो गया। वैनगार्ड विशेस टू रीवैल्यू द लैंड टू रिफ्लेक्ट इट्स करंट मार्केट वैल्यू व्हिच हैज बीन एडवाइज्ड इज 3,50,000। 2,50,000 कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू कितनी है इस वक्त? 3,50,000। तो गेन कितना हुआ? 1,00,000 का। अच्छा, ये आपकी लैंड की कॉस्ट आ गई 2,50,000 और रिवैल्यू हमने गैस को रिवैल्यूड कितने पे? 3,50,000 पे। तो ये आपका गेन हो जाएगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना है? 1,00,000 का। ठीक है, तो गेन आ गया, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। गेन ऑन रिवैल्यूएशन, इसकी एंट्री क्या बनेगी? लैंड की वैल्यू देखिए इंक्रीज हो रही है ना, लैंड डेबिट और आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। गेन क्रेडिट होगा तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम। रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है, ये इसकी डबल एंट्री हो जाएगी, एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा। सर वो जो पहले लिखा हुआ था कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से क्रेडिट करेंगे तो वो यही वो अलग है, वो भी आगे बताऊंगा। आगे एक टॉपिक हमारा कंपनी अकाउंट्स, उसमें समझाऊंगा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू रीड कर ले। हैमस्ट्रंग रन्स अ किल्ट मेकिंग बिजनेस इन स्कॉटलैंड। इट हैज रन द बिजनेस फॉर मेनी इयर्स फ्रॉम अ बिल्डिंग व्हिच ओरिजिनली कॉस्ट $3,00,000 एंड ऑन व्हिच $1,00,000 एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड टू डेट। Hamstrung wishes to revalue the building to 7,50,000. How it is reflected in financial statements? चलिए, पहले तो इसका gain loss calculate करते हैं। कितना होगा gain loss? कितना हो रहा है gain या loss? कितना हुआ इसे? 55,550 जी, बाकी बताएं। 550 होगा। कॉस्ट कितनी है? बिल्डिंग कॉस्ट है आपकी 3,00,000। सबसे पहले तो माइनस करें इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,00,000। तो ये नेट बुक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2,00,000। अब रीवैल्यू कितने भी की हमने? 7,50,000। तो ये गेन हो जाएगा ना, गेन ऑन रिवैल्यूएशन 5,50,000 गेन हो गया, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अच्छा, इसकी एंट्रीज बनाते हैं। एंट्रीज क्या होंगी? अच्छा, एंट्री से पहले टी अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको एंट्रीज जो है वो इजीली समझ में आ जाएंगे। अच्छा, रिवैल्यूएशन से पहले बिल्डिंग अकाउंट का बैलेंस कितना होगा? रिवैल्यूएशन से पहले बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट का बैलेंस कितना होगा? 3,00,000। ठीक है,
3 लाख और accumulated depreciation का opening balance कितना होगा? लाख। ठीक, ये दो गए इनके ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक, अच्छा अब हमने इसे रिवैल्यू करना है। तो देखिए बिल्डिंग को रिवैल्यू हमने कितने पे किया? 750। आज इसकी मार्केट वैल्यू आ रही है 750,000। तो अब हमने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कितने से करें? अच्छा देखिए बिल्डिंग अकाउंट का 3 लाख से तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है ना, तो अब मार्केट वैल्यू हो गई 750, तो इंक्रीज कितना आ रहा है? 450 का। अच्छा ये देखिए इसका कैरी डाउन कितना आना चाहिए? 750 आएगा। डेबिट कितने से करेंगे? 450 से। ठीक है, यानी कि आप मार्केट वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस कितना बन रहा है? 450। तो बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे 450,000 से। यहाँ पे लिख लेते हैं बिल्डिंग आपकी डेबिट हो गई 450,000। अच्छा अच्छा, रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ था ना, रिवैल्यूएशन गेन आपका क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस। गेन कितना है? गेन कितना हुआ? 550 का गेन है। ठीक है, तो 550 से ये रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा 100 का डिफरेंस आ रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे? देखिए ये जो हमने ये रिवैल्यूएशन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना है? 1,100,000। तो रिवैल्यूएशन के टाइम पर हम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज होगा तो डेबिट में एंट्री आ जाएगी, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगा 1 लाख। ठीक है, दोनों साइड बैलेंस हो गई, ये इसकी एंट्री बनती है। अपने डेप्रिसिएशन कहा था, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं कहा था। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के टाइम पे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा क्लोज हो जाता है। ठीक, एक नया अकाउंट बन जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस का। तो याद रखेंगे रिवैल्यू करने का मतलब है आपका एसेट रिन्यू हो गया, जीरो मिनट। ठीक है, इसलिए हम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करते हैं। अच्छा तो ये आ जाएगा, इसको क्लोज कर देते हैं 550, इसका कैरी डाउन आ जाएगा 5,50,000। ठीक है,